तो गाइस ये वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गिव लिट के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ थोड़ा सा अलग। यार मैं बहुत टाइम से अपने कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि लोग मेरे को जब कार फॉर सेल खेलते हुए देखते तो वो लोग कहते हैं भाई हमारे पास कंप्यूटर नहीं है बट हम लोग भी कार फॉर सेल खेलना चाहते हैं। तो तुम्हारे भाई ने पूरा दिन, तुम समझ रहे हो, मैंने पूरा दिन प्ले स्टोर घूमा है और फाइनली मेरे को एक गेम मिला जो मुझे लग रहा है लेट्स सी कैसा गेम है, क्या है, क्या ये अच्छा है खेलने के लिए या नहीं है, वो हम लोग देखते हैं। मुझे मिला एक गेम जो कि बिल्कुल कार फॉर सेल के लिए है बट ऑन मोबाइल। तो चलो चलते हैं, चेकआउट करते हैं। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा दो, 100 के लाइक का गोल है। और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, 3 मिलियन की तरफ को बढ़ रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। और चलो चलते हैं, देखते हैं क्या ये गेम फ्लीट आर्मी के खेलने के लायक है। तो हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर। ये गेम का नाम है कार फॉर ट्रेड। सुना सुना सा लग रहा है नहीं कहीं। चलो न्यू गेम करते हैं, लेट्स सी एग्री। ठीक है, मैंने थोड़ा सा खेल के देखा था, हल्का सा बिल्कुल एकदम। सो लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड के अंदर। और ये गेम टीओवी क्या है, गो टू द बस स्टॉप। ओके, हम लोगों को बस स्टॉप पे जाना है। वैसे कायदे से दिखने का तो काफी ज्यादा अच्छा है, सही बताऊं, फॉर मोबाइल गेम। हाँ ये खैर इसको छोड़ के, चप्पलें गिरी हुई है यहाँ। ओके लेट्स नॉट फोकस देयर। और थोड़ा सा कैसे बताऊं, गेम ना वैसा नहीं है जैसे तुम लोग माइनक्राफ्ट का जिसमें वो यूज करते हो ना सिनेमैटिक मोड। तो देखा तुम्हें कैसे तुम्हारा कैमरा एक बारी में हिलता है, वैसे हिल रहा है। मतलब मैं अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा करके नहीं हिला पा रहा हूं, एक हल्का सा झटका जैसा लग रहा है। ये क्या है भाई, द मैन विद नो नेम, रिवॉर्ड $1 million, वॉन्टेड डेड और अलाइव। भाई ये बंदा मुझे कहीं रोड पे दिख गया तो मैं तो भाई 2 किलोमीटर दूर इससे वैसे ही भाग जाऊं। ऑक्शन टेक्स प्लेस टुडे एट 12 PM। ठीक है, ओके, बाय योर फर्स्ट कार, डोंट फॉरगेट टू बार्गेन। ओके, ये नेबरहुड है जो कि कार फॉर सेल में होता है। भाई ये कितना अच्छा है। बट बीच बीच में तुम लोग देख रहे होगे ना एक हल्का सा कुछ तो आ रहा है, रुको जरा एक मिनट मैं सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, देखो हम लोग के पास सबसे पहले तो यहाँ पर एक बढ़िया सी शॉप है जो कि हम लोग के पास ऑलरेडी लाइक कार फॉर सेल में भी होती है, ये उसके जैसी एक्चुअली, उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा दिया पहली, और आगे का एरिया भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे को नहीं पता अगर हम इसको अपग्रेड कर पाएंगे या फिर कार फॉर सेल जैसा हम लोग अपना खुद का पूरा का पूरी जगह बना पाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। बट मुझे सबसे पहले नाम चेंज करना है, गेम टीओवी से हटाना है। भाई लेट्स गो कार फॉर ट्रेड। हम लोग जाएंगे बस स्टेशन में, हम लोग को जानता है रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में आ चुका है। और देखो अब वो ग्राफिक वाली चीज़ नहीं हो रही, तो इसका मतलब हाई में अभी ये चल नहीं रहा, ऑप्टिमाइज नहीं है। क्योंकि देखो फोन, यार फोन तो तगड़ा है, ठीक है ना, S23 Ultra है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, टॉप लाइन है गेमिंग के लिए। सो लेट्स गो, लेट्स सी। ये तो इसके पास मुझे लग रही है ये स्विफ्ट जैसी की लग रही है, सही बताऊं तो कोई सिट्रॉन होगी, बट ये मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सिट्रॉन है। आगे वाली गाड़ी पे जाके देखते हैं ये कौन सी गाड़ी, भाई दिखने की अच्छी लग रही है, इससे प्राइस पूछ के देखते हैं। लेट्स सी, इसका नाम है एम्बर। ओ भाई ये प्रॉपर बात करे, हेलो माय नेम इज एम्बर, यू आर इंटरेस्टेड इन माय कार, शी हैज लो माइलेज। शी को भी, कार को भी शी बोलते लोग, भाई इट हैज लो माइलेज बोलो ना यार। द प्राइस ऑफ माय कार $12,394। नहीं, थैंक यू। मैंने एक चीज़ देखी, इसमें भी हम लोगों को $7,500 मिल रहा है। अगर तुम लोग टॉप राइट पे देख रहे होगे तो हम लोगों को यहाँ पे $7,500 मिल रहे हैं। ठीक है, और टाइम वाइम भी इसमें वैसे ही चला, तो ये काफ़ी हद तक का कार फॉर सेल जैसा ही गेम है। बट लेट्स सी, ओ भाई दौड़ भी पा रहा हूँ मैं इसमें, नाइस नॉट बैड, लेट्स गो। ये भाई के पास चलते हैं, इसकी गाड़ी एक्चुअली सेम है आई गेस जो उस वाले बंदे की थी, बट इसकी गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी बेटर है। लेट्स सी क्या ये भाई अपनी गाड़ी बेचने के लिए रेडी है। ब्रैंडन भाई अपनी गाड़ी बेचेंगे 3910 में, 3910। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग बार्गेन करेंगे भाई, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे मास्टर बार्गेनर ना हो बट हम लोग बार्गेन फिर भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, भाई को हसल करते हैं, 3500 में क्या ये बेचेगा। आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्राइस, यूज़ द टो ट्रक और यू कैन ड्राइव द कार योर सेल्फ। ओके, मैं टो ट्रक में भेज सकता हूँ जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ऊपर आइकन बना रहे, या फिर मैं खुद से चला सकता हूँ। भाई ऑलरेडी यार हम लोग गारंटीड खुद से चलाएंगे। ओके, हम लोग इसमें व्यू चेंज नहीं कर सकते आई गेस, मैं अंदर को नहीं देख पा रहा हूँ, बट गाड़ी की आवाज़ तो बहुत सही आ रही है। भाई मैं गधों की तरह अभी तक का नॉर्मल उसमें खेल रहा था और हेडसेट लगा के, मैं सोच रहा हूँ वाओ यार आवाज़ आ नहीं रही है, बट हेडसेट भाई वो आदत वाली चीज़ हो जाती है ना। चलो हम लोग निकलते हैं अपनी गाड़ी को लेके, वैसे चलने की भी अच्छी चल रही है हम लोग, हाँ थोड़ा व्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स होप, नहीं हम लोग जूम आउट नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पास लग रही है, सही बताऊँ तो गाड़ी चलने की तो बहुत ज़्यादा सही है। भाई मेरे को लग रहा है हम लोग इसको पता है महंगे में बेच सकते हैं। हम लोग ने बंदे को हसल तो सही कर दिया। ये कौन सी गाड़ी है भाई, नॉट बैड यार, ये एक्चुअली अच्छी लग रही है, बट ये गाड़ियाँ मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। ये तो ऑडी RS5 है गारंटीड भाई, बहुत बढ़िया, ये ग्रिल बहुत तगड़ी लगती है। ये AMG भी लग रही है बट एट द सेम टाइम पता नहीं, नॉट श्योर। वैसे ग्रिल तो देख के AMG वाली लग रही है, मतलब AMG बोल रहा हूँ, मर्सिडीज़ वाली ग्रिल लग रही है। बट और देखते हैं यहाँ पे कुछ और हम लोगों को मिलता है। तो हमारे पास पैसे $4,000 ही हैं,
तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग दो गाड़ियाँ अगर ले पाएँ तो चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं हम लोगों को। वैसे देखो कायदे से एक तरह से हमें गेम पहले से ही पता है अच्छे से, बट वही है कि भाई देखते हैं गेम कैसे चाहता है क्या करें। यूज़ द टो ट्रक और यू कैन डिलीवर द कार योर सेल्फ। तो हम लोग भाई यार तुम्हें पता ही ठहराना है यार, हैवी ड्राइवर ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं हमको। हम लोगों को देखो मिनी मैप में दिखा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो हम लोग वहीं चलते हैं। मैं भी गंदी जगह से नहीं जाने वाला हूँ। इसमें ना मैप थोड़ा सा अननेसेसरी बड़ा करा हुआ है, मेरे को ऐसी फील आ रही है देख के। ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना मैप थोड़ा सा, कैसे बताऊँ, हम लोग इतनी देर से चल रहे हैं ठीक है और कोई जगह नहीं आई है, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अननेसेसरी बड़ा कर रखा है। बट लेट्स सी, ग्राफिक्स तो अभी तक का काफ़ी ज़्यादा अच्छे। मैंने बाय गॉड कुछ नहीं करा है ठीक है, इससे पहले तुम लोग मेरे सर पे आओ, मैंने कुछ भी नहीं करा है। तुम लोग देख सकते हो गाड़ी अभी भी आ रही है। अब वो गाड़ी गई कहाँ भाई, मेरे पैसे कट चुके हैं तुम्हें पता है ना ये। व्हाट, ओके ये गेम थोड़ा सा अजीब हो रहा है फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता क्यों, बट ठीक है भाई। मेरी गाड़ी कहाँ है, रुको मेरे को अब दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी और उस गाड़ी का पीछा करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है भाई, यही 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 चीज़ मेरे को अजीब लगती है यही चीज़। अब एक बार देख लेते हैं ये खड़े बाल वाले भैया से बात करके, ये एक्चुअली बात ही नहीं करेंगे हमसे। मेरे को एक बार आई गेस गेम काटना पड़ेगा, मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा, देन विल कंटिन्यू द गेम। कार्स बॉट 1 sold 0। ओए वापस आ गई, ओके ग्लिच हो गया था गाइस। कोई बात नहीं, हम लोग इसे चला के जाएंगे। हम लोग इस बार उस साइड से जाएंगे, उस साइड से गए थे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, इस बार हम लोग इस साइड से जाके देखते हैं ठीक है। हम लोग अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं, यार ये गाड़ी कितनी कूल लग रही है यार। बट ठीक है कोई बात नहीं, ओ यहाँ पे गाड़ियाँ भी रीसेट हो गई इतनी देर में जब मैं गेम काट के आया तो। ओके ये थोड़ी सी ऑकवर्ड चीज़ थी, जो कि अच्छी चीज़ है, कायदे से हम लोगों को सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी ऐसे। बट ठीक है, अभी के लिए तो हम लोग इस वाली को लेके जाते हैं और देखते हैं क्या हम लोग इसको बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमा पाएंगे। भाई मेरे को मजाक नहीं करूँगा, एक्चुअल में ये गेम अभी तक का एक ग्लिच को छोड़ के अभी तक का ये गेम काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, लाइक ग्राफिक के मामले में भी, दिखने का भी अच्छा है। फ़ोन पे खेल रहा हूँ यार मैं गेम, समझ रहे हो, और अभी तक का ओबे ये वो है क्या, वाइपर, डॉज वाइपर भाई, ये डॉज वाइपर गारंटीड। रुको इससे बात करके देखते हैं, डॉज वाइपर भाई इसमें तो नाम भी सही लिखे हुए, बस एक डॉज का डी गायब है, बट स्टिल। हेलो माय नेम इज माया, $5.5 lakh। वेल मैम आई विल रिफ्यूज योर ऑर्डर एंड आई विल सी यू अगेन, थैंक यू। चलो भाई चुपचाप अपनी इज्जत से गाड़ी में चले जाते हैं ठीक है। हम लोग निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी बहुत खटा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, लाइक देख रहे हो तुम लोग इसका एक्सेलरेशन देख रहे हो भाई, आज पैडल मार रहा हूँ कल पहुँच रही है गाड़ी। चलो हम लोग अब क्या करने वाले ना, हम लोग अब बीहड़ इलाके से जाएंगे ठीक है, डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को। हमारा घर यहीं कहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारा स्टोर है ठीक है, घर का तो पता ही नहीं है, घर है भी नहीं है हमारे पास, है वो तो हम लोग देखेंगे अभी, अभी दिन के 2 बज रहे। लेट्स सी, जाके देखते हैं एक बारी, पहले तो हम लोगों को जाना है स्टोर में। यार ये मैप बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है इन लोगों ने, जैसे कार फॉर सेल है ना उसमें एक बेसिकली देखोगे ना तुम लोग ऐसे सर्कल है, मतलब तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में याद नहीं करना पड़ेगा, बट इसमें अननेसेसरी थोड़ा सा बड़ा दे रखा है मैप फॉर सम रीज़न, जो कि मेरे को सच्ची में समझ में नहीं आया। वो यहाँ पे कार ऑप्शन भी है कुछ, रुको जरा एक बार देखते हैं। हेड बैक टू बैक बस स्टॉप, मैं क्यों भाई, ओ भाई ये देखो कार ऑप्शन, यार ये बहुत ज़्यादा उसी से कॉपीड बना रखा है, देख रहे हो बैठने की जगह, कार ऑप्शन। वो अंकल जो हैं, मेरे को नहीं पता अगर इन लोगों ने वही गेम बना रखा है, मतलब बेसिकली उन्हीं बंदों ने बना रखा है, बट ये दिखने का एकदम सेम टू सेम है, सही बताऊँ तो कार फॉर सेल से ठीक है। लेट्स सी इसका गेम प्ले भी सेम है कि नहीं है, अभी तक तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखी है। बस हम लोग अपनी गाड़ी को लगा देंगे, यहाँ पर साइन आ रहा है, अच्छा ये टो ट्रक वाला साइन है, माय बैड। यहाँ पर हम लोग अगर टो ट्रक करेंगे तो यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी हम लोगों की, आई थिंक बेचने के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। हाँ देखो डॉलर का साइन है गाड़ी में, तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमें पुट द कार फॉर सेल, ओके आई थिंक हम लोग को अपने कंप्यूटर पे कुछ काम करना पड़ेगा इसके लिए। स्टार्टिंग में तुम्हें पता होगा हमारे पास टैबलेट कहाँ होता था, हमारे पास कार ऐसी करना पड़ता था। लेट्स गो, हम लोग देखते हैं इसको, ओके स्टेटस एक्सपेक्ट्स 3500 की हमने खरीदी है। लेट्स सी माइलेज 3.5 lakh, तभी तो इस बंदे ने इतने में दे दी। लेट्स गो $4000 पे मैं इसको सेल पे लगा रहा हूँ, लेट्स होप कि बंदा ले ले ठीक है। चलो ये लग चुकी है ठीक है, $4000 में $500 भी अगर हमने इस पर कमा दी तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऑफिस डिकोर हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं $50,000 में, $50,000 500 करके मैं कितनी देर में बनाऊंगा, और एक मिनट रुको, अरे इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, रुक जाओ
पहले जाके देखते हैं ठीक है कैसा लग रहा है एग्जिट। सबसे पहले तो अभी कैसा लग रहा है ठीक है अभी, ओ अभी कुछ भी नहीं है, मैंने शायद से वो गलती से मिटा दिया ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया ही हुआ जो भी हुआ। लेट्स गो, हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या गाइस, वामू शोरूम। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे वामू मर्च का एक जगह। चलो एग्जिट इसको करते हैं, लेट्स गो एक बार बाहर जाके हैं। ओके माय बैड, थोड़ा सा आदत नहीं है ना मोबाइल में गेम्स खेलने की। वामू शोरूम कितना कूल लग रहा है, बस बगल में कूड़ा बहुत गंदा लग रहा है भाई। ये चप्पलें कौन फेंक के गया है मेरे घर के बाहर, तुम मुझे इतना बता दो बस। ये चप्पलें कौन मेरी दुकान के बगल में, भाई ये चिड़ते हैं सारे मुझसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये गाड़ी बंद क्यों नहीं हो रही है, सेल योर फर्स्ट कार। ओ मैं एक्चुअली गाड़ी को मैंने सेल पे लगा रखा है बट स्टिल कैन ड्राइव, जो कि थोड़ी सी अजीब चीज़ है। मैं इसका इंजन बंद नहीं कर सकता ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है यार पूरे टाइम पे। नहीं अरे नहीं नहीं रिवर्स नहीं लेना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं बिगले और एक और बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट यार ये टीवी ये सेम काम करेगा, नाइस नाइस नाइस। तो ये हम लोगों ने लगा रखी है सेल पे, पुट अप फॉर सेल, ठीक है डन, हम लोगों ने इसको पुट अप फॉर सेल कर दिया है। अब एक बार जाके देखना पड़ेगा। अच्छा अब लगी है क्या, अब लगी है क्या, नहीं मैं इसको अभी चला अब नहीं चला सकता देखो, तो ये सेल पे लग चुकी है गाइस ठीक है। अब मैं मेरे को इस गाड़ी को चलाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आओ कस्टमर आ गए हमारे जल्दी, व्हाट मैमडम जी आ गई, मैमडम जी मैमडम, यार एक मिनट ओहो कौन आया, कस्टमर आया क्या? ओ मुझे लगा मैम सुपर मॉडल आई हुई है गाड़ी के सामने फोटो खिंचाने के लिए, मुझे क्या पता आप कस्टमर हो। अच्छा तो आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी कैसी लगी आपको? मैम मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी में आप जो जचोगे ना ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि कितने में ठीक है। प्राइस परचेस प्राइस 3500। एक मिनट मैम, अरे भागी गई भाई, व्हाट भाई बाल क्या लग रहे हैं बंदे के। एक मिनट, आई एम रेडी टू परचेज योर कार। अरे कितने में ले, अच्छा जितने में लगाई उतने में लेने को तैयार है क्या? ओ लेट्स गो। एक मिनट नहीं भाई, ये क्या गेम है ये, 3500 की लगाई थी, 3500 में बिक गई और मेरे को बताया भी नहीं कितने की बिक रही है गाड़ी। ओके ये थोड़ा सा ज्यादा ही अजीब हो रहा है, रुक जाओ इन लोगों को मैं समझाता हूँ भाई, ये ऐसे नहीं मानेंगे, रुक जाओ। हम लोगों को अब कैसे भी ना भाई थोड़ा बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, $7,500 है ना हम लोगों के पास, लेट्स गो भाई। एटलीस्ट $50,000 नहीं ज्यादा हो गया बट एटलीस्ट हम लोग कुछ तो करके जाएंगे। रुको जरा इससे लेते हैं गाड़ी ठीक है, इसकी ठुकी पिटी गाड़ी है एकदम बहुत ज्यादा गंदी, बट लेट्स गो। मैडम मैडम थोड़ा ज्यादा पास मत आओ ठीक है ना। हाँ हाँ घर में भाई बाप नहीं है कि आपके? टू बार्गेन 5400 बोलिए, मैं इसको $5,000 में बोलता हूँ। लेट मी सी प्लीज मान जा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बार्गेन बेटर प्राइस, कोई बात नहीं 5200। मैडम मैडम 5200 आपको पूरी दिख जाए कोई, देख रहे हो इस बार मैं इसको चला के नहीं ले जाऊंगा, वैसे एक्चुअली चला के देख सकते हैं क्या पता ये बेटर कार हो उससे। ओके ये भी खटा रहा है भाई, ये कैसे चल रही है गाड़ी भाई, देखो तुम लोग एक बार यार, ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी चल। ओ एक मिनट भाई ये पकड़ रही है यार, बट यार स्पीडोमीटर को स्पीड नहीं आ रही है लिखी हुई, छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें इसमें मिसिंग है ठीक है। तुम लोग भी देखते रहो, तुम लोगों को भी बताते रहना मेरे को कि तुम लोगों को इसमें क्या क्या मिसिंग दिख रहा है, जो कि तुम लोगों को बेसिकली मतलब कार फॉर सेल में दिखता है। जैसे मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं बट वही वाली चीज़ें, इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ मोबाइल गेम। फिर ये सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही कर रहा है, जो कि जब तुम बेचने जा रहे हो वो सब चीज़ें थोड़ा सा ख़राब भी कर रहा है। जैसे कि मैंने देखो पुट अप फॉर सेल किया हुआ था तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने अपनी गाड़ी कितने की बेचने में लगा रखी थी ठीक है। वो बंदे ने 3500 में ले गया वो, जो कि मेरे को समझ में नहीं आया कि वो हुआ क्या मेरे साथ, बट ठीक है कोई नहीं। चलो हम लोग अभी के लिए इसको ले जाते हैं, हम लोगों का शोरूम इस साइड को कहीं पर को पड़ेगा। ये क्या है, इसमें जानवर है? ओके ये अटके हुए जानवर हैं बट ठीक है, इनने गाय वाय तो डाल रखी है थोड़ी बहुत। नाइस वन ब्रो, नाइस टच, ठीक है कोई नहीं भाई, बेटर बेटर है यार बेटर। ओ एक मिनट ये वही है क्या? ओ यस ये कार ट्यूनिंग वाले हैं, कार ट्यूनिंग कार रिपेयर, लेट्स गो बॉयज। हम लोगों को ट्यून नहीं करानी है, हम लोगों को रिपेयर करानी है, तो चलो लगाते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे। थोड़ी स्लो ब्रो, आराम से आराम से आराम से, देयर वी गो। भाई से बोलते हैं हमारी गाड़ी को रिपेयर कर दे क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा ठुकी पिटी है, देख रहे हो तुम लोग हर जगह से टूटी टाटी है। लेट्स सी अगर हम लोग इसको एक अच्छे खासे पैसे में बेच पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा महंगा खरीद लिया सही बताऊँ तो। पहली गाड़ी पे तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं कर पाए ठीक है, एग्री 3500 या फिर ऐड देख के रिपेयर करो। हाँ भाई यार मैं पागल हूँ क्या? गाइज एक सेकंड है, यहाँ पर एक हल्का सा कट आएगा ठीक है। गाइज हम लोगों की गाड़ी सही हो रही है, हम लोगों ने सीधा पैसे दे दिए इनके मुंह पे फेंक के मारे पैसे, 300 रुपये। भाई यार तुम्हें लग रहा है कि मैं 300 रुपये के लिए यहाँ पे 20-30 सेकंड के ऐड देखने बैठूंगा? हाँ हाँ यार $300 फेंक के मारे मुंह में भाई के, और देखो हमारी गाड़ी रिपेयर हो रही है। अरे ये अभी भी 2300 ही बता
हाँ तो हो गया गाइज, हमारी गाड़ी हो चुकी है रिपेयर, अब चलो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। भाई नई जर्सी बना दी बंदे ने यार, मानना तो पड़ेगा, मजा आ गया भाई। गाड़ी पे काम तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को आपका मैडम, सॉरी सर, माय बैड सर। चलो हम लोग लेके चलते हैं अपनी गाड़ी, यहाँ से एग्जिट भी है तो हम लोग को सीधे जाना है। अब इसको लगाते हैं सेल पे, लेट्स होप कि ये गाड़ी हम लोगों को कुछ अच्छा पैसा दे। अभी तक का तो मजाक से हट के भाई हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया गया है, जैसे कि वो देखो वो टनल जैसी दिखा रखी है, बट वो टनल में कुछ है नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। ओए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, क्या कर रहा है यार। लेट्स गो गाइस, रात भी हो चुकी है, अब मैं सोऊं कहाँ पे, अरे मैं सोऊं कहाँ पे, लेकिन रुक जाओ, पहले हम लोग इसको सेल पे लगा देंगे, ठीक है। सेल कार, इसको हम लोगों को बेचना है 5200 की हमने ली थी, एटलीस्ट 6000 में तो जानी चाहिए, तभी तो हम लोगों को थोड़ा बहुत पैसा आएगा यार। सेटअप फॉर सेल, लेट्स गो, ये मैंने लगा दी है सेल पे, ठीक है। एग्जिट, ठीक है, ये सेल पे लग चुकी है, अब हम लोग इसको कल को आके देखेंगे। अभी के लिए हम लोगों का शोरूम खुला हुआ है, हम लोगों को सो के जाना पड़ेगा, राइट। वो कंटेनर, एक मिनट, हम लोगों को कंटेनर अरे ये ओके, इसमें कंटेनर के जाने की जरूरत ही नहीं है। नीचे स्लीपिंग का ऑप्शन आ रहा था, मैंने वो स्लीपिंग वाला बटन दबा दिया। ऑक्शन टेक्स प्लेस टुडे एट 12 PM, द कार मार्केट इज ओपन टुडे। ओ मैडम आ गई फिर से। ला 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 ला, मैं हूं एक उड़ता रकून डोरेमोन। ओ मैडम, ओ मैं तो बस कूड़ा उठा रहा था यहाँ पे, आपको क्या लगा मैं कूड़ा उठाने वाला हूँ? नहीं नहीं मैम, मैं यहाँ का ओनर हूँ। यस 5200 में खरीदना आपको, परचेस प्राइस 52। ओ नहीं नहीं, एक्चुअली अब लिखा आ रहा है, देखो कि मैडम इतने में खरीदना चाहती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सस्ता, एक्चुअली माय बैड, ये थोड़ा सा बहुत ही गंदा प्राइस बता रही है। मैंने 6000 लगा रखा है, मैडम बोल रही है 5200 में खरीदना है। सॉरी ब्रो, नॉट गोना वर्क फॉर मी, मैंने जितने के लिए उतने में बेचूंगा तो मेरे को क्या प्रॉफिट होगा भाई, एक ऐड देख के आऊँ पता है तुम्हारे लिए गाड़ी को सही करने के लिए। मैं एक काम करो मैम, लेट्स गो विथ 5700, मुझे लग रहा है कि आप 5700 कर सकते हो, द डिस्काउंट इज टू स्मॉल। मैम आपका दिमाग भी छोटा ही लग रहा है। 5500 मैम, द डिस्काउंट इज टू स्मॉल। ओके आई डोंट लाइक हैगलिंग, आई एम रेडी ऑफर माई प्राइस, थैंक यू मैम, आप जा सकती हैं, मुझे बेचनी नहीं है आपको गाड़ी, थैंक यू। वो बंदा तो बिना बात करे ही चले गया भाई, इसमें इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं क्या लोग। अब क्या ओवर प्राइस, ये बोले 4900 में लेगा, भाई ये क्या गेम है, ये मुझे पागल समझ रखा है क्या तुम लोगों ने। भाई 5500 में लेनी है तो ले, नहीं बहुत बहुत कम है ना, चल निकल, चल निकल 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 निकल, अगर मेरी दुकान पे वापस दिख गया ना यहीं से चप्पल फेंक के मारूंगा मुंह में। ये देख रहा है, ये स्टॉक ऐसे नहीं रखा है मैंने चप्पलों का। कैसे चोर बंदे आ रहे हैं भाई, मेरे को नहीं पता यार। भाई वो बोल रहा है 4900 में भेज दो, 5200 की मैंने लिए है कार। ओ आ गया, आ गया, ये देखो ये बंदा, मुझे लग रहा है फील हो रहा है भाई, फील हो रहा है, फील आ रहा है इसको देख के भाई कि ये लेगा गाड़ी। देखो तुम अब देखो तुम भाई, ये आया ना अमीर बंदा भाई, ये अपने बेटे के लिए पहली गाड़ी लेने आया है, चलो इसको बेवकूफ बनाते हैं, आई मीन चलो सर को गाड़ी बेचते हैं। चलो आई लाइक दिस कार 5700, लेट्स गो शू। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई से पैसे निकलवा लें थोड़े से, ठीक है, जितने ज़्यादा निकलवा सकते हैं, लेट्स गो। नहीं करा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा बेच दी भाई, कुछ हो गया था मैं। 5800, कम ऑन यार सर, कम ऑन, द डिस्काउंट इज टू स्मॉल भाई, सेल सेल सेल, ठीक है मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगा, $500 बनने, $500 बनने दो। फाइनली हम लोगों का $7500 से $8000 हो चुका है गाइस। ये बोल रहा है कि कार मार्केट आज खुली हुई है, लेट्स गो जाते कार मार्केट एक बार जाके देखते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों को हो सकता है कार मार्केट में कुछ सुपर कार्स भी देखने को मिल जाएं, ठीक है। कहाँ है कार मार्केट भाई, कार मार्केट भी इनने बहुत ज़्यादा सिमिलर बनाई है टू कार फॉर सेल, सही बताऊँ तो। और ओ भाई मुझे यहीं से दिख रही हैं कुछ क्रेजी क्रेजी कार्स, नॉट बैड यार, देखो ये तो, ओ व्हाट, GTR R34 स्काईलाइन GTR, मेसा 34। अबे भाई तू पागल है क्या, $3.5 लाख प्लीज दे दे यार प्लीज, मेरे पास 8000 पड़े हैं, 8000 में दे दो, डाउन पेमेंट ले लो मैडम, मैं आपको हर महीने पैसे ला के देते रहूँगा। नहीं अबे यार भाई, GTR स्काईलाइन GTR, ओ माय गॉड शिट यार, यहाँ पर एक BMW भी खड़ी है, और ये कौन सी सुप्रा MK4, हो दिस इज सुप्रा MK4 गाइस, ओ माय गॉड ये सुप्रा MK4 है गाइस। वो कितने की दे रही है मैडम, कितने की दे रही है यार, अरे यार ये तो बहुत ही यार, ये डब्बा क्यों रखा हुआ आपने, लाओ मुझे दे दो, एक काम करो हाँ ये मुझे दे दो आप 5-6 हज़ार, इसको पता है भाई ये महंगी गाड़ी है, $4.5 लाख बोल रही है, $4.5 लाख
अरे तुम पागल है क्या यार, तेरे से कहां से लाऊंगा मैं। ये अपनी ऑडी कितने की दे रहा है भाई? मिज्जू ले। ओ ये वो है क्या? मेरे को देख के नहीं लगा यार। ओके ये वो है, लैंसर है बोल रहा है ये, मित्सुबिशी लैंसर। ओके नॉट श्योर। 8000 में तो नहीं मानेगा ना ब्रो? मैं देख 8000 देने के लिए तैयार भाई हूँ, गाड़ी में हम बहुत पैसा बना लेंगे अगर इसने 8000 में भेज दी गलती से तो। नहीं ना, ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी यार। मजे ले रहा, लेट्स सी ये BMW कौन सी है और ये कितने में देगी। ठीक है, BMW M5, ओके नॉट बैड, 75,000। सॉरी सर, हमारे पास इतने पैसे तो कभी थे ही नहीं, ना हमारे पास कभी होंगे, ना कभी होने वाले हैं। थैंक यू, मजाक करो, होने वाले, हेलो सर, होने वाले पे बात मत जाना। अगर मैं करने पे आ गया ना भाई, वो पीछे जो सुपर MK4 दिख रही है ना, घर में खड़ी कर दूंगा, समझ रहे हो ना। हाँ चुपचाप इधर दो, हाँ फटाफट गाड़ी। कितने में? 26,000। नहीं यार, 26,000 इज टू मच। कोई ऐसी गाड़ी मिले, ओ भाई साहब ये क्या है, SL रोडस्टर है क्या? लग रही है भाई मर्सिडीज SL रोडस्टर। हाँ देखा, SL वो है, रोडस्टर है। नहीं नहीं, नीचे नीचे, बहुत महंगी है, बहुत महंगी गाड़ी है भाई, टूटी फूटी। देख रहे हो कैसे फुचड़ी गरीबी गाड़ियाँ कितनी महंगी बेच रहे हैं, 4600 में ये हमें दे रही है। हम लोग इससे बार्गेन करेंगे फिर भी, लेट्स सी अगर ये 4200 में मान जाती है। कम ऑन, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर प्राइस। रुको एक मिनट, अगर मेरे को लेनी होगी तो मैं वापस आ जाऊँगा, मेरे को क्या ही है। एक बार पीछे की गाड़ियाँ भी देख लेते सारी की सारी। एक और SL रोडस्टर दिख रही है मेरे को यहीं से, और ये मुझे नहीं पता कौन सी। नहीं ये एक्चुअली एक मिनट, ये दूसरी है भाई, ये है कौन सी, लेकिन ये नहीं, होंडा। ओके ओके ओके, 40,000 तो नहीं है मेरे पास, ठीक है कहीं से भी कहीं तो। ये क्या मर्सिडीज है क्या, है ना, कूप लग रही है ना। नहीं, ओ ऑडी TT है, ओ जी जी ऑडी TT है, लेकिन इतने पैसे नहीं। ओ भाई इसमें तो इन लोगों ने मिनी कूपर भी रखी हुई है, व्हाट। नहीं नहीं भाई यार, ये बहुत महंगी गाड़ियां हैं यहाँ पे यार। गाइज अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि मेरे मतलब मैं भी इन गाड़ियों को लूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में गारंटीड से बताना, ठीक है। खास करके वो सुप्रा MK4 जो पीछे दिख रही है, 7900 की मैडम बोल रही है। लेट्स सी अगर ये 7500 तक आने के लिए ट्राई करती है, तो अगर ये मान गई तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर प्राइस। कोई बात नहीं, मैं इनको 7600 बोलता हूँ, ठीक है 7600। कम ऑन, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर प्राइस, ठीक है मैं ले लूंगा, ठीक है। ये गाड़ी हमने ले लिया, और इस वाली में इस बार इसको सीधा पहुंचा रहा हूं डीलरशिप, ठीक है। यहां से सीधे डीलरशिप लगाएंगे, डीलरशिप में सीधे सेल पे लगा देंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए तो हम लोग इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, बट भाई ये सुपरा MK4 देखो एक बार, ओ माय गॉड। गाइस 1.5 लाख लाइक और मैं तुम लोगों को इसका सेकंड एपिसोड दूंगा, ठीक है। 1.5 लाख लाइक और गारंटीड इसको हम लेंगे कैसे भी, मतलब सेकंड एपिसोड में नॉट श्योर ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बट मैं 100% दूंगा अपना भाई। $4.5 लाख के, डोंट टेल मी, मैंने सूप भाई, मैंने सुपरा बोल रहा हूँ इसको भाई, GTR R35 भी है इस गेम के अंदर, व्हाट। और इसकी हुड ऐसी के पिचका रखे भाई, तेरी जैसी शकल है ना भाई, तेरे साथ ही गाड़ी जम नहीं रही है, समझ रहा है ना तू। 77,000 भाई, बहुत सस्ती यार, जैसी पिचका रखे आई थिंक उसने तभी 77,000 की दे रहा है। बट भाई इसमें R34 Skyline भी है, R35 भी है, सुपरा MK4 भी है, ओ माई गॉड भाई। यार ये सच्ची में जेनवनली बता रहा हूँ, मेरे को ये गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग गया अब गाड़ियाँ देखने के बाद। उस समय मेरे को ऐसा होता है ठीक है मतलब, बट अब जब मैं गाड़ियाँ देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा हो रहा है ना बिल्कुल वाओ यार, लाइक जस्ट लाइक अ वाओ। चलो फटाफट से ये SUV को लगाते हैं सेल पे, ठीक है। आ जा भाई, रिवर्स डालो, इसको हम लोगों को सेल पे लगाना है, या फिर इसको हम लोग पहले सही करवा के लेके आए और फिर ये महंगी बेगी। चलो ठीक है, इसको एक बार खाली सेल करके देखते हैं, ठीक है। इसको सेल पे लगाते हैं सॉरी, और इसको देखते हैं, अगर ये सेल हो गई महंगी तो मान जाएंगे हम लोग, और फिर हम लोगों को इतना ज़्यादा उसका दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि लाइक क्या इसको हमें सही करना है या नहीं करना है वाली चीज़, ठीक है। इसको हम लोग सेल करते हैं, हम लोगों ने 7900 की ली थी, ठीक है। लेट्स ट्राई इसको अगर हम लोग 9000 के आसपास में बेच पाएंगे तो, ठीक है। एक्चुअली 9000 नहीं लिखते, पता क्या करते हैं, 8999 करते हैं, ठीक है। एक्चुअली 9 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। लेट्स गो पुट इट अप फॉर सेल, लेट्स सी अगर हम लोग इसको बेच पाएंगे तो। भाई वामू शोरूम ने अपनी पहली गाड़ी बेची थी, अभी हमारे पास लिटरली $87 पड़े हुए, तुम समझ रहे हो $87। भाई काश मैं इसमें लोन ले पाता जैसे हम लोग उसमें ले सकते थे, तो भाई मैं सीधे चले जाता, GTR ले लेता, क्योंकि सुपरा MK4 तो नहीं ले पाते। 4.5 लाख भाई, टू मच यार। इट सीम्स दैट योर कार इज ओवर प्राइज्ड, मैं दूंगा 7.2। चल निकल ले यहाँ से, बहुत मारूंगा। हाँ दिख मत जाना दोबारा मेरी शोरूम में। 8400, ये मैडम सही है, ठीक है। यार रिफ्यूज़ करूँगा, कहीं काट दिया तो इसने। प्लीज़ 2 सेकंड रुकना, प्लीज़ रुकना, एक भाई से बात कर लेते हैं, प्लीज़ जल्दी बात कर। 7200 रिफ्यूज़। मैम हेलो, कैसी हैं आप, आपको पता है आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं उनसे बात करने गया, मैं उनसे बताने गया था कि नहीं इस मैडम को बेचने वाला हूँ मैं ये गाड़ी, मैं आपको नहीं दे सकता ये, ठीक है।
तो आप 8800 में गाड़ी ले लो। आई एम सेटिस्फाइड। व्हाट? ओके, हम लोगों ने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, हम लोगों ने $400 ही कमाए। बट भाई $400 भी बहुत ज्यादा होता है जब तुमने इतना ज्यादा कमा लिया। तो भाई मेरे को ना एक चीज करनी पड़ेगी, हम लोग फटाफट चलते हैं। और इसमें हमारे पास वो नहीं होते क्या, पर्क्स नहीं होते क्या? क्योंकि यार फिर तो ये लोग बहुत ही कम हम लोगों से वो कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी थोड़ा भी वो नहीं कर पा रहे, लाइक बार्गेन नहीं कर पा रहे इन लोगों से। अगर तुम लोग ध्यान दे रहे तो ये लोग बार्गेन करने के लिए रेडी नहीं है, सीधे मना कर देते और फिर बोलते हैं हमारे प्राइस पे खरीदनी तो खरीदो वरना घर को चलते बनो। ठीक है, एक बार इसे देखते हैं। $8800 हैं हम लोगों के पास। लेट्स सी, अगर कोई भी गाड़ी 8800 के आसपास में बिक रही है 10,000, एक बार बात करके देखते हैं। ठीक है, जितने पैसे हैं मैं सारे के सारे लगा देता हूँ। ठीक है, 8887, लेट्स गो प्लीज। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर प्राइस, सैड लाइफ। मेरे पास इससे ज्यादा प्राइस ही नहीं है भाई, पैसे ही नहीं है, क्या करूं मैं। 6000 में ये अपनी गाड़ी बेच रही है, टू बार्गेन। हम लोग इसको बोलेंगे 5000 में बेच रही है तो बात करो वरना मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी निकल जाऊंगा मैडम। यार रिफ्यूज भाई, सॉरी मैं इतने में नहीं खरीद सकता। कमोन, कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो बेच रहा होगा अपनी गाड़ी थोड़ी सी सस्ते में। ये वाली गाड़ी कितने की बेच रही है मैडम? भाई एप्सल ऑस्ट्रा क्या होता है? ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, 4600। लेट्स होप कि ये गाड़ी हम लोग थोड़ी सी महंगी बेच पाएं। मेरे को ट्राई करना है कैसे भी आज $10,000 एटलीस्ट हम लोग अपना पहला कर लें, क्योंकि $10,000 की कुछ गाड़ियां हैं जो हम लोग अभी नहीं ले सकते हैं सैडली। तो मैं अभी पूरा ट्राई करने वाला हूं कि हम लोग $10,000 इस एपिसोड में कर लें। और अगर तुम लोग इसके एपिसोड देखने होंगे तो लाइक वाला बटन दबाओ और सब्सक्राइब तो कर देना विद बेल आइकन ऑन, तभी तो तुम लोगों को सब कुछ पता रहेगा ना कि हम लोग कब डाल लें वीडियो वो सब चीज़ें। तो चलो इससे बात करके देखते हैं, क्या ये अपनी होंडा बेच रही है मैडम? डायलॉग्स, सोंडा सिविक है मैम की, $9,100, सैड लाइफ। मैंने अभी अभी एक गाड़ी खरीद ली, ये 8800 में तो बेच ही देती ना एटलीस्ट हम लोगों को। लेट्स सी, ये तो थोड़ी सस्ती गाड़ी लग रही है, सिट्रॉन लग रही है। हाँ सिट्रॉन C1 है। लेट्स सी, टू बार्गेन। देखो 4200 में बेचनी है तो मैं ले सकता हूँ, 5200 मेरे से नहीं हो पाएगा। टू बार्गेन 4242, ये मेरे पास मैक्स पैसे हैं, इससे ज़्यादा मेरे पैसे $42 ज्यादा दिए और इसने बेच दी। ओके, इसको भी डायरेक्टली सीधे, ओ व्हाट। ओके, +3 एड्स के साथ और वरना मुझे खरीदने पड़ेंगे। वाओ, यू डोंट हैव इनफ टो ट्रक्स, वुड यू लाइक टू रिसीव मोर? हाँ, पैसों से खरीद लूंगा। ठीक है दोस्तों, खत्म होगा ये एड। गाइज हम लोगों ने खरीद लिया टो ट्रक, अब जाके इसको भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा है कि हम लोग, यार हम लोग टो ट्रक वो ट्रक क्या होता है यार, मैं पूरा टो ट्रक, मैं पूरी जगह ही खरीद लूँ उनकी टो ट्रक की, यार क्या बात कर रहे हो तुम। हम चलते सीधे कार मार्केट में। हम लोगों ने अपनी, अरे नहीं नहीं माय बैड भाई, मैं पैसे कटवा रहा हूँ अपने फालतू के। एक मिनट, हम लोग फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं, नॉट बैड यार, ये तो बहुत सही चीज़ है। अगर तुम्हारे पास $0 है तो तुम लोग फ्री में ट्रैवल करते हो। जी जी, चलो अब हम लोग ये दोनों गाड़ियों को लगाते हैं सेल पे। लेट्स होप हम लोगों के $10,000 हो जाएं, क्योंकि हम लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा महंगे में खरीदा है। कुछ गाड़ियाँ तो मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा सस्ती भी पड़ गई, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगी, बट लेट्स गो। इनको लगाते हैं एक को यहाँ पर। ठीक है यार, ये कितनी फचकी हुई गाड़ी लग रही है, मेरे को इतना सैड लग रहा है ना अपने शोरूम में इतनी टूटी फूटी गाड़ियाँ खड़ी करने में। बट वही वाली चीज़ है यार, कहीं से तो शुरू होता है ना भाई, यार है ना, कहीं से तो शुरू होता है। लेट्स गो, चलो इसको भी लगा देते। ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में, सही बताऊँ तो, और ये हम लोगों को सस्ती भी मिल गई थी आई गेस। हाँ चलो इसको लगा, भाई $42 ज़्यादा दिए उसको मैंने 4200 में, तो उसने बेच दी, क्या था यार वो, बहुत फनी भाई, बहुत फनी। चलो ये हो गया, अब इन दोनों गाड़ियों को हम लोग फटाफट से सेल पे लगाते हैं। सेल माई कार, सबसे पहले इसको सेल पे लगाते हैं। हम लोगों ने इसको 4600 में खरीदा था, लेट्स ट्राई टू सेल इट इन 5500। ठीक है, इस वाली को भी सेल पे लगाते हैं, सेल पे लगाते हैं, सॉरी 4200 में इसको खरीदा था हम लोगों ने, लेट्स सेल इट इट 5200। ठीक है, अगर ये दोनों गाड़ियाँ बिक जाती तो हम लोगों के पास $5,000 हो जाएंगे। सो लेट्स गो, आई होप ये चीज़ काम करें। एक बंदा तो आ चुका है, आया, देखो इसके पास तो स्पाइक्स भी हैं मुर्गे जैसे। चलो होपफुली, प्लीज मान जा, प्लीज मान जा, एक ही बारे में बोल दे आई लाइक दे। क्या परचेस प्राइस से कम? तू निकल ले यहाँ से, दिख मत जाना मुझे मेरी शॉप पे। अरे मैम आइए, मैम आप पता है इस ड्रेस में कितनी क्यूट लग रही हो आप, ही के लिए बनी है ये गाड़ी, आप ले जाओ इसको, छोड़ो यार, फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। अरे तो फ्री में ले जा देना, लेकिन पैसे तो बता दो कितने दे रही हो। अबे भाई पैसे नहीं बता रही है। हाय माय नेम इज जेडा, आई एम रेडी टू बाय योर कार। अरे कितने में? लेकिन भाई मैं सेल कर दिया और इसने 4200 दिए ना मेरे को, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं बहुत मारूंगा। ओए 5200 में चूना लगाया मैंने भाई को, आई मीन सॉरी लड़की को। अबे ये क्या कर रहा है तू,
अरे मैडम आगे यही वाली मैडम तो है जो महंगे में खरीद लेती है गाड़ियाँ, ये तो पूछती भी नहीं है भाई, आई एम रेडी टू बाई और कार बोलती है सीधे, लेट्स गो 3300 निकल ले बेटे, दिख मत जाना यहाँ मुझे, चलो भाई सो जाते हैं। इसे सोने का बहुत ज़्यादा सिंपल है सही बताऊँ तो, ठीक है। और ये दोनों अभी भी यहीं पे खड़े हुए हैं, और तू क्या करना चाह रहा है भाई, हटना है इधर से भाई, धक्का भी नहीं मार सकते यार, माइनक्राफ्ट जैसा भी नहीं हो रहा है ये भाई, मैं इसको कैसे हटाऊँ यहाँ से, ये गाड़ी में फंस गया है भाई, वो देखो उसको ग्लिच कर रहा है वो गाड़ी में, व्हाट द हैक। ओके 4700 दैट इज़ बेटर, जो कि हम लोगों ने गाड़ी खरीदी थी उससे ज़्यादा है, बट हम लोग फिर भी इसे बार्गेन करने की ट्राई, एक्चुअली रुको रुको रिफ्यूज़ करते हैं एक बार, पहले इसको देखते हैं भाई ये कितने में खरीदना है ये गाड़ी को, प्लीज़ बोल दे एबिगेल कि तू रेडी निकल ले यहाँ से भाई, ये देख रहे हो ये जितने कपड़े में पैसे खर्च करे हैं ना गाड़ी में भी कर दिया करो कभी, गाड़ी A to B ले जाती है तुम्हें, बात करेंगे यहाँ फालतू की। $5,000 मैडम, $5,000 यार, कम ऑन यार, आप खरीद सकते हो, द डिस्काउंट इज टू स्मॉल, तो आप निकल लो घर को सीधे, ठीक है। और यहाँ मेरी शोरूम में वापस मत आ जाना, वहाँ मुझ शोरूम है, हल्का फुल्का मत लेना इसको, हाँ चप्पलें पड़ी हैं साइड में तो क्या हो गया, एक दिन यहाँ पे महल भी खड़ा कर दूंगा, बात कर रहे हो यहाँ यार, तुम लोगों को कोई तमी जमीन नहीं है क्या, निकल ले यहाँ से मैडम, ये जितनी भी ऐसी वाली मैडम आ रही है ये ऐसी क्यों कर रही है मेरे साथ भाई, हैसल कर रही है बिल्कुल, देखो यार 3900 में मैंने खरीदी है 4600 में, मैडम को चाहिए 3900 में, सुनो मैडम एक काम करो, $5,000 में बेच रही खरीद रही हो तो बात करो, डिस्काउंट इज टू स्मॉल, वरना आप निकल लो चुपचाप, ठीक है, आपका डिस्काउंट मैंने मना कर दिया, आप यहाँ खड़े होकर बेकार का मेरा एरिया मत खराब करो इधर, ठीक है ना, सॉरी यार ज़्यादा सुना दिया लग रहा है उसको, आ मत जाना लेकिन दोबारा भाई, माय नेम इज, ठीक है मेरी गाड़ी से तो थोड़ी सी सस्ती ले रही है, मतलब थोड़ी सी सस्ती बट ठीक है, वो तो मैं इसको हैसल करके कर लूँगा, बट पहले भाई इस लंबे चौड़े आदमी से बात हो भाई, दिख मुँह तक नहीं आ रहा उसको, खली है क्या, 4100 लेनी है तो बेच दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम डराओ मत बस, है ना हाइट का वो कर रहा है ये भाई बंदा, अबे नहीं नहीं मैडम 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 बेच रहा हूँ मैडम 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 चले गई हो भाई तू यार, तू हाइट से, अबे तू भी चले जा भाई, और तू क्या करना चाहता है, तू क्या करना चाहता है अपनी जिंदगी के साथ भाई, ओ भाई तू ये क्या कर रहा है, तू क्या करना चाहता है भाई, तू करना क्या चाहता है, क्या आदमी है भाई, फंस चुका है वो वहां पे, अबे तुझे दिख नहीं रही क्या, अंधा है क्या, गाड़ी है उधर, अबे ये फिर आ गया है लंबा वाला डराने के लिए भाई, यार मैं बता रहा हूँ मैं परेशान हो गया उन लोगों से यार, ये फिर आ गया भाई डरा, अबे तुम दोनों एक ही खेती की मूली हो क्या, अबे कहाँ जा रहा है भाई, उधर से चले जाता है इससे बढ़िया, लेट्स गो। अबे डायलॉग विद जैक, अरे भाई साहब ये जैक तो जैक डे भाई, तुम समझ रहे हो नहीं समझे, तो $5,000 में सर इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, द डिस्काउंट इज टू स्मॉल, रिफ्यूज देन, ठीक है। इससे देखते हैं बात करके, ईसाया भाई, भाई देखो तुम बढ़िया बंदे लग रहे हो, तुम जितने की मैं दे रहा हूँ उतने उससे तो ज़्यादा महंगी ले रहे हो, $5,000 पर आते हैं बात करते हैं, चलो ठीक है डिस्काउंट इज टू स्मॉल, चलो आपके लिए सर 4800 कर रहा हूँ मैं, 4800 डिस्काउंट इज टू स्मॉल, यार मुझे क्यों लग रहा है ये गाड़ी नहीं बिकेगी भाई, मैं इसको सेल कर रहा हूँ अभी के लिए, सेल कर रहा हूँ सॉरी, जितने की बिक्री होते हैं मैं 9852, किस्मत देख रहे हो तुम मेरी 9850 भाई, ग्लिच बंदा है भाई वो, रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं गाइस हम लोग को अभी भी एक और गाड़ी पे थोड़ा सा $148 कमाने पड़ेंगे हमें अभी किसी गाड़ी पे, तुम समझ रहे हो, जस्ट बिकॉज वो नहीं बिक पाई यार, रिफ्यूज, रुक जाओ, इससे कोई तगड़ी गाड़ी लेते हैं मैं तो बोलता हूँ, पता है कोई तगड़ी सी गाड़ी मिल जाए ना, ये तो यही सिविक है, नहीं सिविक ही है ये, पता नहीं, नहीं नहीं जोम जोम सिक्स क्या होता है भाई, ये कौन सी गाड़ी है जोम जोम सिक्स, जी भाई क्या नाम है ये, और ये ओ ये गाड़ी बहुत महंगी बिकती है क्या, नहीं ना 5300, ठीक है हम जोम जोम सिक्स लेंगे भाई, क्योंकि उसमें हम लोग $100-$150 कमा पाएंगे आई गेस, जितनी महंगी दिखने की गाड़ी होती है उतनी ज़्यादा उससे तुम ऊपर को बेच सकते हो, राइट, तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे हैसल करके $7,000 पे लाने की, अगर ये 7,000 में, नॉट बैड, इसको हम बेच देंगे सीधे और अपना भी निकल जाएंगे यहाँ से सीधे सीधे भाई। ये गेम एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मेरे को मज़ा आ रहा है खेलने में, ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें खराब है, जैसे कि ज़्यादातर लोग तुम्हारे प्राइस पे गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और हर कोई भाई तुम्हारी गाड़ी को लाइक तुम्हें महंगी में बेच रहा है, और कोई भी तुम्हारी गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है सही बताऊँ तो, जो कि कार फॉर सेल ने एटलीस्ट सही करके, इवन दो वो अपना गेम को ख़राब करते जा रहे हैं मैं सही बताऊँ तो, जो अपडेट्स वो लेके आ रहे हैं उसके साथ, बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स सी इस गेम में
बात है कि नहीं है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है कि तुम लोग इस गेम को कितना रेट करोगे और क्या तुम इसका सेकंड एपिसोड चाहते हो। क्योंकि मुझे यार सच्ची बताऊं तो थोड़ा सा मेरा मन नहीं है, वैसे सही बताऊं ना मेरा मन नहीं था कि मैं नहीं सोच रहा था इसको सीरीज जैसी बनाऊंगा, बट वो सुपरा MK4 देख ली ना मैंने, थोड़ा सा दिल वहां पर ना यार गार्डन हो गया, तुम समझ रहे हो। 8500 में मैं इसको लगाने वाला हूं, लेट्स होप कि ये बिक जाए 8500 में। बहुत हाई प्राइस लगाया बट लेट्स होप यार, तुम समझ रहे हो, किसको पता कोई आ जाए अमीर आदमी बिल्कुल ऐसे करके फेंक के पैसा मारे मुंह पे और कहे ले रख ले, तो मैं कहूँगा रख लूँगा सर। चलो लेट्स होप भाई ये आ गया। भाई इसकी जैकेट देख के तो अमीर लग रहा है यार, जूते चप्पल नंगे पाँव चल रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाई ये अमीर बंदा है, मुझसे लिख के ले लो। ऐसे बंदे आते हैं पता है निक्कर इक्कर में, ऐसे जॉगिंग वाले कपड़ों में गाड़ियाँ लेने, समझ रहे हो। 7700 वैसे नॉट अ बैड वन, बट 8200 में मान जाएगा क्या? 8100 प्लीज। ओके ठीक है अभी के लिए रिफ्यूज कर रहा हूँ। ओ भाई ये आ गया। अबे तू भाई क्या है यार, ये एक ना एक ऐसा आता ही बंदा है यार, एक ना एक ऐसा बंदा आता ही आता है भाई। ये क्या क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे ग्लिच करने के लिए भाई? यार क्या है ये गेम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई एम रेडी टू बाय योर कार। अरे ले जा मैडम। अरे 8200 Yes, let's go, भाई हम लोगों ने $11,352 मतलब कि $11,352 कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोगों के पास हो चुका है $10,000 से ज़्यादा। भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा मजा आ गया, मैं मजाक नहीं करूँगा भाई। हम लोगों ने इसमें कमा लिए $11,352 भाई, लेट्स गो। अभी हम लोग कोई बड़ी सी गाड़ी खरीद सकते हैं, हम लोग अपनी पहली स्पोर्ट्स कार भी खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ हम लोग अभी अपने ऑफिस को अपग्रेड नहीं कर सकते, आई होप कर पाते, आई गेस जब हम लोग अपग्रेड करेंगे तो उसके बाद ये कूड़े का पहाड़ हट जाएगा एटलीस्ट बगल से। चप्पलें दिख रही हैं जिसमें मेरे को, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है सही बताऊँ तो। एक लास्ट टाइम नेबरहुड का चक्कर मारते, क्योंकि हम लोगों ने सामने वाली गाड़ियाँ देखी थी, पीछे वाली गाड़ियाँ नहीं देखी थी, तो वहाँ जाके भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता हम लोगों को कुछ खतरनाक गाड़ी दिख जाए, जो कि मैं सच्ची बताऊँ तो देखना चाहता हूँ, बिकॉज वी नेवर नो अगर हम लोग ये गेम दोबारा कभी खेलेंगे या नहीं। बट तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम लोग दोबारा देखना चाहते हो, जब तक हम लोग सुपरा MK4 नहीं ले लेते तब तक का, ठीक है तो मेरे को बताना। बाकी लाइक पे डिपेंडेड, 1.5 लाख लाइक कर दिए तो वाई नॉट सर। ओ भाई ये देखो R34 दे रहा है, देख रहे हो इसको, देख रहे हो R34 बेच रही है मैडम, एक बार देखते कितने की बेच रही है, ठीक है 3.5 लाख डॉलर भाई साहब। भाई विंटेज गाड़ियों में बहुत पैसा है यार, बहुत ज्यादा। व्हाट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कार्स भाई, G63। ओ भाई मर्सिडीज G-Wagon। ओ भाई साहब ये G63 कितने की बेचेगा? मर्सिडीज जी, बहुत बढ़िया, $1.5 लाख काश मेरे पास होते भाई, इसको देखो एक बार। डायम, ओ भाई भाई एक मिनट, ये वही गाड़ी है ना भाई? ये वही गाड़ी है भाई, और ये गाड़ी बहुत सही बिकती है 3900। इसको मैं बोलता हूँ 3500, ठीक है 3500 में मान गया ना अगर ये बंदा। अबे यार चलो ठीक है 3900 में खरीद लेंगे इसको, हम लोग भेज देते हैं। और अब अपने पास पड़े हैं बस इस गाड़ी, ये भी सेम है आई गेस, हाँ ये सेम गाड़ी है बट ये टूटी फूटी है। टूटी फूटी तो मैं नहीं लेता भाई, टूटी फ्रूटी का तो दीवाना ही नहीं हूँ ना मैं। जी यार भाई मैं इनकी फेंसेस से कूद सकता हूँ क्या? लॉल भाई लो, उसमें नहीं कूद सकते तुम लोग कार पर सेल में। चलो भाई एक चीज़ तो इसमें बेटर है, और यहाँ पर कोई भी नहीं बेच रहा है क्या अपनी गाड़ियाँ? भाई उसकी वो लेते हैं पीछे वाले की ना गाड़ी, ये तो सारी की सारी सेम नेबरहुड में वही है, कार फॉर सेल वाला ही सिस्टम है। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, नेबरहुड में उतनी अच्छी गाड़ियाँ तुम्हें मिलेंगी नहीं, बट चीप कार्स तुम लोगों को नेबरहुड में मिलेंगे, तो स्टार्टिंग के गेम में तुम लोग नेबरहुड में ही आओगे वाली चीज़ है। लेट्स सी भैया से पूछते हैं एक बार कितने में बेच रहे हैं अपनी गाड़ी। 4200 में बेच रहे हैं, मैं इनसे बोलूँगा 3800 में, खरीदने के लिए तैयार हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्राइस। चलो भाई एक सेकेंड में आता हूँ दोस्तों। तो गाइज हम लोगों ने खरीद लिए हैं और बहुत सारे पैसे दे के, यस सर, जैसे कि तुम्हें पता ही है यार भाई नदी बहती है भाई, नदी पैसे की, तुम समझ रहे हो भाई। मैं तो भाई क्या बताऊं यार, मैं तुम्हें भाई सोना ही सोना भाई। जी यार चलो इस वाली गाड़ी को लगाते सबसे पहले हम लोग सेल पे, बैक आ जा थोड़ी सी भाई। यार काश हम लोग कोई अच्छी स्पोर्ट्स कार खरीद पाते ना इस वाले एपिसोड में, मज़ा ही आ जाता, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि तुम लोग देख ही रहो नीचे वाली गाड़ियाँ जितनी भी होती है ना, जितनी भी तुम स्टार्टिंग की कार्स लेते हो यार, उसमें तुम लोग ऐसी कैसे कमाते हो सही बताऊँ तो। मैंने कार फॉर सेल में भी, तो तुम्हें अगर अच्छे से याद होगा तो हम लोग ऐसे ही तो कमाते थे कार फॉर सेल में भी, हम लोग $500 स्टार्टिंग के गाड़ियों में वो सब चीज़ों में। फिर एक बार तुम्हें बस एक अच्छी गाड़ी में हाथ मारना है जो कि $20,000-30,000 की हो,
पास, वहां से फिर तुम $10,000 एक एक गाड़ी से बनाना स्टार्ट कर देते हो और फिर तो भाई नो स्टॉपिंग यू, क्योंकि हम लोग जो सुपर कार्स होती है उसमें 1,00,000 रुपए भी कमाते हैं अगर तुम्हें याद होगा तो। दोनों गाड़ियों को मैंने लगा दिया है, दोनों गाड़ियों को सेल पे लगाने का टाइम आ चुका है। सेल कार, इसको हम लोग सेल करेंगे, हम लोग लिए 3900 में, हम लोग ट्राई करेंगे इसको $5,000 में बेचने की। बट तुम्हें पता है कि $5,000 लगाने से बढ़िया अगर हम 499 करें तो ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 3800 में, हमने लिए सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं इसके साथ, हम लोग इसको 4999 में लगाने वाले हैं। लेट्स होप कि कोई इन गाड़ियों को इतने महंगे में खरीद ले। भाई आ गई है ये भाई, ये मैडम ना ये हमेशा मूड ख़राब करेंगी भाई, ये दोबारा आ गई है ये फिर मेरा मूड ख़राब करेगी। फिर ये बोलेगी आपने 3800 में लिया है, मुझे 2900 में बेच दो। अरे सिंपल लग रहा हूँ क्या, चुपचाप 5,000 रुपये दे और निकल भाई। हाँ यार बात फालतू की बातें करवाओ भाई। 3800 मैंने क्या बोला तुमसे, मैंने क्या बोला तुमसे, निकल लो मैडम निकल लो, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ। मेरी नाराजगी देखी नहीं है तुमने अभी। जैक भैया आ गए हैं दोबारा से। भाई ये बहुत जैक्ड बंदा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा इस बार ऑस्टन नाम लेके आए, नाम बदल ले हो। बार्गेन भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं यार, 4999 बोलता हूँ इससे। लेट्स गो, हमारी एक गाड़ी तो बिक चुकी है गाइस, दूसरी वाली कार भी अगर इतने के आसपास में बिक गई तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। $8,500 पड़े हैं हमारे पास, अगर ये 5,000 में बिक जाती है तो हम लोगों के पास 83 कह रहा हूँ $13,576 हो जाएंगे। सो लेट्स होप कि ये उतने में बिक जाए। बाकी तो अभी तक का कोई भी कस्टमर नहीं आया। यार ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है क्या? नहीं यार, जबकि ये तो ओके, हुड इसका टूटा हुआ है बट आ रहा है बंदा रहे। ओ वाओ यार ये कितनी प्यारी गाड़ी है यार, काश मेरे पास भी ऐसी एक गाड़ी होती। वाओ यार वो लोग कितने लकी होंगे जिनको ये गाड़ी खरीद। ये बंदा फिर यहाँ पे ग्लिच हो गया। यार तुम लोगों को तमीज अमीन नहीं है क्या यार? भाई यार तुम लोगों को यार ये क्या है भाई, तुझे गाड़ी के आर पार जाना है क्या, क्या चाहिए तेरे को भाई? तू मुझे बता यार, रुक जाओ इसको मैं पूछता हूँ भाई, इससे मैं पूछता हूँ तुझे क्या चाहिए भाई, और तुझे क्या चाहिए भाई मेरे। यार ये आगे भैया, एक तो इतने लंबे भयंकर ऐसी गर्दन करनी पड़ती है इसको देखने के लिए। 4,000 भाई, यार मुझे पता है तुम्हारी बॉडी शॉडी है लेकिन तुम मारोगे थोड़ा बंदे को, अगर बेचेगा नहीं तो मुझे नहीं बेचनी $4,000 में, ठीक है ना? $5,000 की बात हो रही है यहाँ पे, $5,000। मैंने कितने की ली थी? 3800। अबे ये इधर से फंस गई, वो उधर से फंस गया, तुम्हें चाहिए क्या भाई? अरे तुम कर क्या रहे हो, ये लड़की इधर से फंस चुकी है, वो लड़का उधर से फंस चुका है। अरे नहीं, अच्छा इसको उसने फंसा के रखा तो लंबू ने। चलो $4,000, चलो मैडम आप कह रही हो तो 4,500 कर देते हैं आपके लिए। अरे आपके लिए कुछ मैडम, टू स्मॉल तो निकल ले चले यहाँ से, ठीक है ना? हाँ चाहिए बहन को चाहिए, डिस्काउंट फ्री में दे देता हूँ, फ्री में लेगी गाड़ी, फ्री में दे दूँ। सॉरी गाइज यार, कभी कभार थोड़ा सा टेम्पर आ जाता है ना, थोड़ा सा बस हल्का सा टेम्पर आ जाता है यार कभी कभार। ये लोग यार लिटरली इनको फ्री में दे दो गाड़ी भाई, इनका मन चले तो। आलिया मैडम आई हुई है, 4200 बोल ली है, 4500 मैं बोल रहा हूँ, मैडम कहेंगे ठीक है लाओ दे दो। अरे यार डिस्काउंट इज टू स्मॉल भाई, क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए तेरे को, फ्री में दे दूँ, फ्री में दे दूँ, रिफ्यूज, निकल ले यहाँ से, ठीक है? फिर आ गया ये बॉडी बिल्डर भाई, यार इसने मेरा जैसा खून सुखा रखा ना, गर्दन में दर्द कर देता बंदा, खरीदने को कुछ नहीं खरीदता है। 3800 भाई तू क्या मारेगा क्या, मुझे नहीं बेचूंगा तो। सुनो मैडम एक बात सुनो मेरी, 3800 में मैंने लिए गाड़ी, आप 4,000 बोल रही हो, 4,200 भी अगर तुम पूरे कर देती मैं एक बारी को बेच देता। क्या बदतमीजी है, नहीं बेचनी मुझे गाड़ी तुम, चले जाओ यहाँ से। इसको भेजो यार पहले, इसको भेजो, ये इसने भाई मेरे आधे कस्टमर वो भगा रहा है भाई, कितना अजीब लग रहा है वो बंदा भाई, गाड़ी में बस घिसे जा रहा है भाई, घिसे जा रहा है, कहीं तो जा रहा होगा, कहीं चलेगा भाई, क्या कर रहा है तू, ये तू कर क्या रहा है भाई? भाई तेरे पापा तेरे को मारते नहीं है क्या घर में भाई? यार क्या क्या चल रहा है पता नहीं, देखो उसकी गर्दन तक, उसका मुंह तक नहीं आ रहा भाई। 3800 भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा, इस गेम के अंदर गाड़ी बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है देन कार फॉर सेल, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा भाई, इस गेम के अंदर गाड़ी बेचना कार फॉर सेल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सही मेरे। जस्ट बिकॉज इस गेम में पता नहीं क्यों कोई भी तुम्हारी गाड़ी की सही वैल्यू लगाने के तैयार ही नहीं है। 4400 बार्गेन करते हैं मैडम से, 4600 बोलता हूँ, ठीक है? $200 ज़्यादा, स्मॉल डिस्काउंट। अरे यार एक्सेप्ट भाई, यार इससे अच्छा कोई प्राइस भी नहीं देगा मुझे लग रहा है। $600 तो कमाए एटलीस्ट गाड़ी पे हम लोगों ने, $13,000 बस यार, इससे अगर मैंने $23 और ले लिए होते तो हमारे पास $13,000 इन टोटल हो जाते, बट मेरे को लग रहा है कि ओके एक बार सो जाते हैं अगले दिन आते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने एटलीस्ट भाई डे वन पे ही, मतलब हम लोगों के पहले एपिसोड में हम लोगों ने $13,000 कर दिए 7,500 से, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हम लोग वैसे कायदे से
यार मुझे ना एक मुझे थोड़ा सा टाइम दो गाइस, ठीक है? मैं आ रहा हूँ भाई, एटलीस्ट डबल तो करके जाएंगे यार। यही चीज़ मेरे दिमाग में आई भाई, हम लोग एटलीस्ट डबल तो करके जाएंगे यार। ऐसे नहीं भाई, ऐसे हार नहीं मानने वाला मैं भाई, एटलीस्ट डबल तो करके जाऊंगा भाई। 13,000 हो चुके हैं हमारे पास, 2,000 और चाहिए, अब डबल होके रहेंगे भाई। 12,000 है तेरी गाड़ी का प्राइस, मैं दूंगा तेरे को 12,000। मजाक करो, 11,000 चाहिए तो बात करो ना, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेटर प्राइस। चल ठीक है, 12,000 में ले लेता हूँ यार। मुझे एकदम सेम गाड़ी लग रही है यार, फॉर सम रीज़न। आई जस्ट होप मेरा पोपट ना हो गया यहाँ पे। इसको अग्री करके भेजते हैं, हम लोग के पास सिर्फ $1,000 बचे। आप सोचो अगर ये गाड़ी $15,000 की बिक जाए सीधे सीधे, ठीक है? लेट्स गो, हम लोग जाएंगे कार शोरूम पे भाई। अगर ये गाड़ी लिटरली बहुत ज़्यादा महंगी हुई ना तो मज़ा आने वाला है, मैं मजाक नहीं करूँगा। हम लोग के पास $956 हैं, लेट्स जस्ट होप भाई। चलो ठीक है, इस गाड़ी को लगाते हैं सेल पे। हम लोगों ने इसको ख़रीदा है 12,000 में, हम लोग इसको पुटअप करेंगे सेल पे 15,000 पे, समझ रहे हो? 4999, एक रुपये का वो दे रहा हूँ डिस्काउंट, ठीक है? पुट इट अप फॉर सेल, आ जाओ खरीदो, आओ खरीदो। कौन है माइकल लाल जो ये गाड़ी खरीदेगा भाई? जिसने ये गाड़ी खरीद ली ना, वो सारी ड्रैग रेसेस जीतेगा अपनी, जितनी भी ड्रैग रेसेस हैं। तुम लोगों को देख के लग रहा होगा अरे ये कैसी गाड़ी, फुचकी सी, बट तुम्हें एक्चुअली इसके अंदर के हुड की बात नहीं पता तुम लोगों को। इसके हुड के अंदर है एक W16 इंजन है इसके अंदर, समझ रहे तुम लोग? यस, बुगाटी का इंजन चुरा के लेके आया हूँ मैं, मैंने इसके अंदर कैसे ना कैसे करके फिट कर दिया है। तो अगर तुम लोगों को 0 to 100 3 सेकंड से भी अंदर चाहिए तो ये गाड़ी तुम्हारी भी भाई। जब आप ऐसे बिक नहीं रही है तो झूठ बोल के बेचनी पड़ेगी ना, क्या करूँ जी भाई, क्या करेंगे आदमी यार, पेट भी तो पालना है भाई। भाई सेल पे नहीं लगी है क्या? लगी हुई है, और कुछ रशियन में लिखा रहा है वहाँ पे भाई, कोई बंदा नहीं आ रहा इसको खरीदने के लिए, ज़्यादा महंगी लगा दी क्या मैंने? हैं गाइस, टारगेट एक्वायर्ड भाई। आधा घंटा वेट करने के बाद एक लड़की आई है, प्लीज़ यार सही, नहीं वो मत करना। हाँ भाई, मेरे को लगा ये भी ग्लिच हो जाती है भाई वहाँ जाके, वो अनलिमिटेड चल। हैं अबे तू पागल वागल है क्या मैडम? $8,000 में तेरे को गाड़ी दे दूँ मैं अपनी? अबे $10,000, अरे वो आएगा ना, वो है भाई, वो सही प्राइस लगाएगा। ये सारे ना मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रखे हैं। तभी तो देख रहे हो, एक 8,000 बोल रहा है, फिर एक सीधे 10,000 बोल दे रहा है ना, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है ना तुम लोगों ने। मैं तो गधा हूँ है ना, मैं तो $8,500 और तू हाँ क्या कर रहा है गधे होने पे? अबे हट जा, उसको जान दे भाई, अबे हट जा भाई, ये क्या गेम है, क्या चल रहा है यहाँ? रुको जरा, इससे बात करता हूँ। ये है बंदा भाई, ये सही पे $9,000। एड्रियन भाई $10,000, मैंने 12,000 की खरीदी है गाड़ी, मैंने $12,000 की खरीदी है गाड़ी। भाई हमको लूट लिया उस बंदे ने, नहीं भाई 12,000 रुपये से लूट लिया।